हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ग्रीन वेजिटेबल से और कुछ फ्रूट से जूस बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी पत्तियाँ मैंने पालक की ली हैं और धनिया लिया है मैंने, दिल लीव्स लिया है, इसे भी डाल दूंगी। एक टमाटर लिया है, आप टमाटर को चाहें तो काट के डाल सकते हैं या पका हुआ है तो इसी तरह से डाल दीजिए। चुकंदर मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटी है, एक, और दो गाजर मैंने बड़ी साइज़ की ली है, तीन संतरे मैंने लिए हैं जिसके जूस मैं निकालूंगी बाद में। पहले हम इन सब्जियों को ग्राइंड कर लेते हैं बिना पानी डाले, को कट कर लेना है और इसके अंदर से बीज निकाल देने हैं। आजकल जो संतरे आ रहे हैं उनमें बीज बहुत कम होते हैं, आप ध्यान रखते हुए बीजों को बाहर कर लीजिए। उसके बाद अपने चम्मच की सहायता से इस तरह से इनके गूदे निकाल लीजिए, यानी इनकी फाँकें। ध्यान रहे कि एक भी बीज ना रहे, अगर बीज रहेगा तो हमारे जो जूस हैं वो कड़वे हो जाएंगे। और बहुत ही सस्ते में आप फ्रेश जूस इस तरह से बना सकेंगे जिसके अंदर फाइबर की मात्रा भी काफ़ी होगी। इस तरह से आप चेक कर लीजिए कि कोई आपके जूस के अंदर जो है ये बिल्कुल ना जाए। बिना मशीन के आप इस तरह से बना सकते हैं एक ग्राइंडिंग जार की सहायता से, और कुछ तो मैंने विदाउट ग्राइंडिंग जार की सहायता से भी आपको बताया है। आपको जो तरीका पसंद आए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे बीज निकाल दे रहे हैं और इन संतरों के छिलकों को आप फेंकिएगा नहीं, इन्हें इसी तरह से आप एक सीख में या तार में पिरोकर अर्गन पे बांध के रख सकते हैं ताकि वहीं बाहर की तरफ सूख जाए। आपको बार बार इसको चेंज ना करना पड़े इसका पोजीशन, और फिर इनका यूज़ आप कर सकते हैं पाउडर बना के। देखिए, पेस्ट तैयार हो गया है, पेस्ट इसका करीब करीब तैयार हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा हमें पानी डालना होगा। पहले हम इस संतरे को भी इसी के अंदर डाल दे रहे हैं और ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर मैं हाफ ग्लास पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी मैं डाल दे रही हूँ, और फिर जार को ढककर हम फिर से पीस ले रहे हैं। देखिए, इसे अच्छे से हमने पीस लिया है, छन्नी में डाला और नीचे बर्तन लगा दिया है जिसके अंदर जूस गिर रहा है, और ऊपर से हम चम्मच से इस तरह हिलाते जाएंगे ताकि जूस आसानी से नीचे गिरे। जब पूरा जूस आपका निकल जाए चम्मच से दबाते तो थोड़ा पोर्शन बचे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मैंने इसमें हाफ ग्लास और पानी डाला, यानी टोटल जूस में मैंने एक ग्लास पानी डाल दिया है, और इस तरह से प्रेस करके निकाल दिया ताकि वेस्टेज बिल्कुल ना हो। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर छिलके देखिए इस तरह से आ गए हैं तो आप उंगलियों से हटा दीजिए और इसे अपने जूस में ही मिला दीजिए ताकि फाइबर भी इसमें चला जाए। अब मैं इसे थोड़ा सा गैस पे गर्म कर दूंगी ताकि ठंड का दिन है तो ये नुकसान ना करे, इसलिए हम थोड़ा सा इसे गर्म कर ले रहे हैं। 2 से 3 मिनट इसे गर्म कर लीजिए। 1 लीटर जूस बनकर तैयार है, और इसके अंदर हम देखिए काला नमक डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। आप चाहें तो और ज़्यादा डाल सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए, 1/4 काली मिर्च, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर मैं अपना जूस सर्व करूंगी। मैंने पहले इसे पैन में गर्म कर लिया था। अगर आप इस जूस का सेवन डेली करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपको कब्जियत भी कभी नहीं होगी, ब्लड की शॉर्टेज भी बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से ग्रीन सब्जियों का जूस या एप्पल कीवी वगैरह मिक्स करके सब चीज़ें आप एक साथ ले सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्थ के लिए आपके फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको हमारे ये जूस बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।